अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पंजाबी डांसर इन मक्का। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। आज की जो रेमेडी है वो है खांसी से रिलेटेड। पिछले दिनों मुझे भी बहुत गंदी वाली खांसी लगी हुई थी, जिसकी वजह से मेरी पिछली जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर मेरी आवाज़ भी बहुत अजीब सी, मोटी सी, भारी सी आ रही है। लेकिन सीरप और मेडिसिन ले लेके तो दिमाग ख़राब हो चुका था, लेकिन उसे कोई आराम नहीं था आ रहा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करती हूँ जो कि मुझे भी किसी ने सेंड की, तो मैंने उनका पूरा मेथड जो था वो पूरा पूछ के उनसे, उन्होंने तो मुझे बना के सेंड की थी, तो मैंने उनसे भी पूरा पूछा कि आपने ये कैसे बनाई है, तो उन्होंने अपना पूरा तरीका मुझे बता दिया। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये चीज़ शेयर की जाए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि यहाँ से ना मिलती हो, ये सारी चीज़ें पंसार से मिलेंगी। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए हमें सबसे पहले सुहागा, मराठी, सोंड और हींग और काली मिर्च पिसी हुई और सूखा धनिया, ये दो चीज़ें तो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। बाकी ये चीज़ें आपको पंसार से मिल जाएंगी इजीली, इसमें कोई ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है। इन सबको हमने पीस के छान लेना है इसके अंदर, फिर इन सब सारी चीज़ों को हमने पीस के एक पाउडर को बनाना है। पाउडर बना के वो हमने, उस पाउडर को हमने यूज़ करना है। मुझे लगी थी खांसी खुशक, मुझे खुशक खांसी लगी हुई थी, मेरी मामा और भाभी को लगी थी बलगमी, तो हम तीनों को इसी रेमेडी से आराम आया। इसके अलावा जितनी भी मेडिसिन यूज़ कर रहे थे, सीरप पीपी के कड़वे, वो तो बस हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि अब यही एक हर रह गया। आंटी का मैंने उनको बोला था कि मैं आपकी रेमेडी शेयर कर रही हूँ, तो आपको कोई वो एतराज़ तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं बेटा, आप फैला सकती हो, अच्छी बात फैलाना ही सदका होता है। तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी वीडियो बना के शेयर किया जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं इंग्रेडिएंट्स, मैं इनकी जो क्वांटिटी है वो लास्ट पे एक पेपर पे लिख के शेयर कर दूंगी, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको कोई मसला ना हो। सब चीज़ें पीसने के बाद फिर कुछ जो उसकी फाइनल लुक है वो पीसने के बाद ऐसी हो जाएगी। इसको हमने सारा पीस के स्ट्रेन करके तो फाइनल हमारा जो पाउडर तैयार होगा वो ऐसा हो जाएगा। तो इसको जो है हम लोग बना के स्टोर भी कर सकते हैं। और इसको मिक्स करना कैसे है कि अगर एक चम्मच हमने ये लिया है तो दो चम्मच हमने हनी के लेने हैं, यानी शहद के। तो मतलब इसको कोई मसला नहीं है, एक बंदे के लिए आधी चम्मच या एक चम्मच रात को वो खाने खा के सोने से पहले बस ले ले, और इसके बाद आप यकीन करें कि ऐसा ये रिज़ल्ट देगा कि आप भूल जाएंगे कि खांसी थी ही नहीं। और इसका इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मुझे भी इतना अच्छा मिला कि मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करना तो बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई। मिक्स करने का तरीका कुछ इस तरह का था, मैंने सोचा आपके साथ ये मिक्स करना भी बता दूँ। एक चम्मच अगर हमने ये लिया तो दो चम्मच हमने हनी के, शहद के लेने हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि पाउडर जो है वो हनी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद कुछ इसकी फाइनल लुक जो होती है वो इस तरह की हो जाती है। और इसको एक चम्मच छोटा टीस्पून जो है वो हमने सबने यूज़ करना है, जिसको भी खांसी हो, चाहे वो बलगमी हो चाहे वो खुश्क हो। इस पाउडर को बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। ये पाउडर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको ख़राब हो जाए, या फ्रिज में रखो या बाहर रखो, बस नॉर्मल टेम्परेचर में आप रख सकते हैं। और ये है कि चाहे वो विंटर्स की खांसी हो और समर की हो, क्योंकि जब भी वेदर चेंज होता है तो हमें ये चीज़ें आ ही जाती हैं, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो दवाइयाँ वगैरह भी तो साथ खाते हैं, तो अगर आप ये एक दफ़ा बना लें तो मतलब खांसी के लिए तो परफेक्ट रहेगी। तो मेरा तो ये रिकमेंड है, क्योंकि मैंने ये चीज़ यूज़ की है। और मैंने फिर स्पेशली उनसे दोबारा से पूछा कि आपने ये क्या मुझे बना के दिया था, इसी से आराम आया है? इसके अलावा तो मतलब मैंने काफ़ी सीरप पी लिए, कोई आराम ही नहीं था आ रहा, खांसी को ज़रा फ़र्क नहीं था पड़ रहा। और फ्लू के लिए तो जो मैंने कावा शेयर किया है वही पीती रही, और खांसी के लिए मैंने ये सिर्फ 2 से 3 दिन खाया है, और इसमें मेरी खांसी बिल्कुल गायब कर दी, वरना तो बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं थी ले रही। इसीलिए कोई ये बना के आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। मैंने भी इसको बना के इसको इस डब्बी में बना लिया और बना के स्टोर कर लिया, ताकि कोई मसला ना हो आराम से। खाने में ये बिल्कुल मीठा सा होता है, इतना कोई इसका जायका बदमज़ा अनुसार नहीं होता, बस वो अंदर जो काले मिर्च और सूखा धनिया वगैरह डाला होता है सिर्फ उसका थोड़ा सा टेस्ट आ रहा होता है, बाकी तो सारी चीज़ें और हनी आने की वजह से तो ये बिल्कुल ही मीठा सा हो जाता है। इसलिए इसको खाने में कोई ऐसा मसला नहीं होता कि कोई देखने वाला सोचे कि पता नहीं क्या शक्ल है, लेकिन शक्ल पे नहीं जाओ, चीज़ बहुत ज़बरदस्त बनती है। और 2 या 3 दिन में ही आपकी खांसी बिल्कुल गायब हो जाती है।
तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपनी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।